हेलो फ्रेंड्स, आपका राकेश मैथमेटिक्स 000 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 2021 के मैट्रिक के गणित चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे और ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन माध्यम माध्यिका से है। प्रश्न है कि यदि चार कौमा पांच कौमा नौ कौमा ग्यारह और x का माध्य 7 हो तो x का मान निकालें। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग लिखेंगे, माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर होता है सभी संख्या को जोड़ देंगे, जो भी नंबर हो उसको जोड़ देंगे और बटा में जितना भी नंबर हो उसे भाग किया जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 तो बटा 5, चूंकि हमारा माध्य यहाँ दिया हुआ है तो माध्य 7 दिया हुआ है, 7 लिखेंगे। 4, 5, 9, 9, 9, 18, 18 और 11 को जोड़ेंगे तो 29 होगा प्लस एक्स बाई 5। और अभी 7 से 5 को गुना करेंगे तो 7 5 35 प्लस 35 सॉरी इसको 35 बराबर 29 प्लस एक्स, तो 35 प्लस में 29 है तो जाएगा माइनस में इजकल टू एक्स। 35 में से 29 को घटाएंगे तो आएगा 6 इजकल टू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू 6 आया। तो हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन एक नंबर सही होगा। इस प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 4x2 + 4x + 1 बराबर 0 हो तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो जब भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना हो तो हमें विवेचक यानी विविक्तर ज्ञात करना होगा, यानी डी निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्वेश्चन है मेरा कि 4x2 + 4x + 1 बराबर 0। तो इसमें से यहाँ से ए का वैल्यू 4 आ गया, बी का वैल्यू भी 4 आ गया और सी का वैल्यू 1। तो यहाँ से विवेचक निकालेंगे यानी डी का वैल्यू निकालेंगे, तो डी बराबर b² - 4ac। तो यहाँ b का वैल्यू 4² 4 × a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 1। तो 4² = 16 4 × 16 16 में 16 गया था 0। हमें याद रखना है अगर b² - 4ac का वैल्यू बराबर 0 हो तो मूल जो होते हैं समान और वास्तविक होते हैं, वास्तविक होगा। इस आधार पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि 3a = 90। तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे तो 90/3 30 * 90 तो a का वैल्यू हो गया 30। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन a बराबर क्या होगा, तो साइन a का वैल्यू हम लोग 30 निकाले तो यहाँ 30 रखेंगे। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ने दिया हुआ है कि साइन 45 + θ - cos 45 - θ। हम लोग के पास ये क्वेश्चन है तो यहाँ हम कर सकते हैं क्या से देखिए, तो या तो साइन को चेंज करेंगे या फिर कॉस को। तो चलिए हम लोग कॉस को चेंज करके देखते हैं। तो साइन 45 + θ - cos, अब हमको ये ध्यान रखना है कि किसको चेंज करने पर कॉस आता है। तो
अगर हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा, ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, इसलिए हम कॉस 45 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं, साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 90 माइनस 45 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस थीटा, तो साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 90 में से अगर 45 घटाएंगे तो 45 आएगा और प्लस थीटा, और ये दोनों कट जाता है तो आंसर आता है जीरो। इस प्रकार से हम लोग का चार नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा जीरो। इसी प्रकार से हम लोग अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं हम। अगर तो क्वेश्चन है हम लोग के पास रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 2y = 2 हो तो इसका हल निकालना है। रैखिक समीकरण इतना इतना कि हल क्या होंगे ये निकालना है। तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि 5x + 2y = 16, दूसरा समीकरण है 5x - 4y = 2, तो ये समीकरण एक हुआ और समीकरण दो हुआ, तो यहाँ से हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो किसी या तो x के पार्ट को बराबर करेंगे या फिर y के पार्ट को, तो अगर हम गुणा करते हैं तो समीकरण एक में अगर हम दो से गुणा करें तो 2 × 2 = 4, यानी यहाँ 4y, यहाँ भी 4y हो जाएगा, तो हम लोग का पास बराबर हो जाएगा। तो इसलिए समीकरण एक में हम लोग 2 से गुणा करते हैं, तो लिख देंगे समीकरण एक में 2 से गुणा करके और 2 को जोड़ने पर, तो किसी चीज अलग अलग हो तो जोड़ना पड़ता है, तो इसलिए तो 2 से तीनों में गुणा होगा, 2 × 10x + 2 × 4y = 16 × 32, 7x - 4y = 2। तो चूंकि जोड़ने, जब भी हम जोड़ने पर चिन्ह लिखेंगे तो यहाँ चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो 4y से 4y कट गया, तो 10 × 7 = 17x = 32 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 34। तो 17 × 10^3 के भाग में x = 34/17, 17 × 34, तो x का वैल्यू यहाँ हम लोग का 2 आ गया। अब देखेंगे समीकरण एक में अगर हम x का मान रखने पर, और समीकरण एक में हम x का मान लेते, समीकरण एक यहाँ है मेरे पास कि 5x + 2y = 16, तो अगर x का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो 5x की जगह 2 + 2y = 16, 5 × 10 + 2y = 16, 10 अगर इधर प्लस में तो जाके माइनस में, 2y = 16 - 10, 2y बराबर हो जाएगा 6, 2 × 3 भाग में y = 6/2, 2 × 3 = 6, तो y का वैल्यू 3 आ गया। तो हम लोग का x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 निकला। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, फर्स्ट है, वहाँ x का मान 2 और y का मान 3 है, तो हम लोग का सही आंसर यही हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बढ़िया से। यहाँ समरूप का साइन होगा, सॉरी समरूप का त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के समरूप है, यानी त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 है और क्षेत्रफल DEF जो है वो 49 है, तो पूछता है दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। हम लोग एक बात ध्यान रखना है हम लोग को इस 6 नंबर क्वेश्चन में, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो रूल होता है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF जो होता है उसके भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है
उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसके प्रकार से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 और त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 49। यहाँ ए बी डी ई का होल स्क्वायर हो गया, 36 का स्क्वायर होता है 36 6 का स्क्वायर है और 49 किसका स्क्वायर है 7 का। तो हम लोग इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो हमारे पास 6/7 यानी ए बी बटा डी ई यानी ए बी अनुपात डी ई बराबर हो गया 6/7। तो हम ये देखते हैं 6/7 ऑप्शन बी, हम लोग का ये सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। नंबर 7 देखते हैं, 7 में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, तो एक त्रिभुज बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर है भुजा डी, कह रहा है भुजा बीसी के समांतर है डी और एक आता है एडी बटा डीवी, एडी बटा ए बट डी 3:5 है। तो पूछ रहा है एसी का मान अगर 5.6 हो तो ए का मान क्या होगा, क्वेश्चन हम लोग का यही है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से अगर किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो बाकी दोनों भुजा को समान अनुपात में बांटती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखते हैं तो ए डी बटा बी डी इसकल टू ए बटा ई सी, ये होता है ऐसा हम जानते हैं। तो यहां देखते हैं ए डी ए डी बटा डी बी दिया हुआ है 3/5 और यहां दिया हुआ है ए ई, हमको निकालना है और यहां ए सी दिया हुआ है। तो यहां हम लिख सकते हैं 3/5 इजकल टू ए ई बटा ए सी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस सॉरी यहां ई सी तो ई सी को लिख सकते हैं ए सी माइनस ए ई, यहां ए सी है ए सी माइनस ए ई। अब क्रॉस गुना करते हैं तो 5 ए ई बराबर 3 ए सी माइनस 3 ए, तो 5 ए ई इधर माइनस दे के प्लस 3 ए ई इसकल टू 3 और ए सी का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है यहाँ 5.6, यहाँ लिखते हैं 5.6 तो 5×3 = 8 5×3 = 8 ए ई बराबर 36 = 18 5×3 = 16 तो ए ई बराबर हो जाएगा 16.8/8 8×16 = 8.1। तो हम लोग का ऑप्शन आंसर होगा इसका डी 2.1। एक बार देख लीजिए फिर से, अब अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, वृत्त के केंद्र 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई क्या होगा। और हम एक वृत्त बनाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक वृत्त बनाते हैं तो कह रहा है कि वृत्त इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और एक जीवा जो है केंद्र पर समकोण बनाती है। तो मान लें ओ हुआ, ए हुआ और ई बी हुआ, तो यहां से ये दोनों त्रिज्या हुई जो दिया हुआ है 10 और ये 10 और यहाँ समकोण बन रहा है यानी 90° बन रहा है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण
त्रिभुज है, वो ए बी एक समकोण त्रिभुज है। तो और इसमें ए बी जो होता है वो कर्ण हुआ, क्योंकि समकोण के सामने, समकोण के सामने ठीक में जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। यानी हमको ये जो जीवा है वो यही जीवा जो इस त्रिभुज का कर्ण है। तो कर्ण ए बी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी 100 प्लस 100 यानी 200। तो 200 को लिख सकते हैं दो गुना 10 गुना 10, तो 10 बाहर आएगा तो 10√2। तो यहां से हम लोग का आंसर हुआ सी 10√2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में दिया हुआ है कि कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो कॉस 60 का हमें यहाँ वैल्यू लिखते हैं तो ये 1/2 होता है। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू साइन 60। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये दोनों नंबर बड़ा 1/2 इंटू √3/2 माइनस √3/2 और 1/2 दोनों बराबर है, दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हम लोग का 9 का आंसर हो गया सी 0। इसी प्रकार से देखते हैं रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। तो हमको ध्यान रखना है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। किसी भी रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। किसी भी रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि घात क्या है 1, इसलिए रैखिक समीकरण का घात क्या होता है 1। अब वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ हल्का क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 4/3 यानी tan थीटा बराबर 4/3। तो tan थीटा को अगर हम त्रिकोणीय अनुपात में लिखते हैं तो इसका होता है P/B 4/3। तो यहाँ से हम वैल्यू P का वैल्यू 4 हो गया, B का वैल्यू 3 हो गया। तब यहाँ H निकालेंगे तो H इक्वल टू होता है P² + B²। तो P का वैल्यू 4² + 3² 4² = 16, 3² = 9। तो 16 और 9 25, 25 के बाहर 5। तो H का वैल्यू क्या आ गया 5। इस प्रकार से साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं P/H और कॉस थीटा को लिखते हैं B/H। तो P का वैल्यू यहाँ है 4 और H का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 5 प्लस फिर B का वैल्यू है 3 और H का वैल्यू 5। तो ये 5 हो गया और 4 और 3 7 यानी 7/5 हम लोग का ऑप्शन है सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 12 क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहां देखते हैं कॉस, तो कॉसेक को अगर हम लोग उल्टा करते हैं तो वो जाएगा 1/cos थीटा। माइनस कॉट को लिखते हैं अगर तो होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सॉरी माफ करिएगा, 1/cos थीटा होता है साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन साइन का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर चार अलग अलग करते हैं तो 1/1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। तब 1 -
कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हो तो उसको लिख सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि वन का स्क्वायर अगर ए का स्क्वायर एक होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे अगर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ देखते हैं कि वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है यानी ये दो है, दो गो है और यहाँ एक है, तो एक से कट के ऊपर वन माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा।